आप देख रहे हैं जी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी से पहुंचे हैं लंदन। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वहां जोरदार स्वागत हुआ। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट समिट में निवेश के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। आज दोपहर 3:45 से 5:45 पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट होगा और शाम 6:30 से करीब 8:00 राइजिंग राजस्थान प्रवासी मीट का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो वहीं 18 अक्टूबर को लंदन में ही राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट का आयोजन होगा जो दोपहर 3:00 से 5:00 तक रहेगा। तो लंदन में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। विष्णु, जानकारी आ रही है कि जर्मनी से अब लंदन पहुंच गए सीएम, जहां उनका जोरदार स्वागत किया, कई इन्वेस्टर्स के साथ मीट है उनकी, क्या कुछ रहने वाला है खास? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। जब से कुर्सी संभाली उसके बाद से लगातार इसी प्रयास में है और अब दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट होने वाली है, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं और इसके तहत ही अभी जर्मनी में थे और उसके बाद लंदन पहुंचे हैं कल। और लंदन के बाद अब लंदन में जो बिजनेसमैन है वहां के, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उद्योगपति है, उन्हें आमंत्रित करेंगे कि आप आए राजस्थान में, बेहतर सुविधाएं आपको मिलेगी और बेहतर उद्योग के लिए इससे बढ़िया जगह कोई विश्व में सबसे बढ़िया जगह ये हो साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जमीन है, बिजली की व्यवस्था सरकार कर रही है, पानी की व्यवस्था अब हो ही गई, इंद्रदेव ने इतना मेहरबान हुए, तो तमाम चीजें वहाँ, यहाँ पर एक अनुकूल माहौल है बिजनेस के लिए, कच्चे माल की उपलब्धता है कई उद्योगों को लेकर, तो इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर उद्योगपतियों के सामने अपनी बात रखी और आज वापस इन्वेस्टर्स मीट होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रवासी राजस्थानियों से भी मिल रहे हैं, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी विदेशों में जाकर उद्योग धंधे लगाए हुए हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने देश में अपनी माटी से जुड़े और यहाँ राजस्थान में आकर उद्योग लगाए और साथ में रोजगार का सृजन तो होगा ही उद्योग से, और इससे देश जो राजस्थान है वो भी आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पे बढ़ेगा। ये तमाम बातें वो मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और आज लंदन में दो बार उनकी पहले जो इंग्लैंड के उद्योगपति है उनसे बातचीत होगी, फिर राजस्थान जो प्रवासी है उनसे बातचीत होगी और वो उनसे केवल और केवल यही है कि राजस्थान में आकर उद्योग लगाए। इसको लेकर कई सहूलियतें जो सरकार की ओर से दी जानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम लोग कहते हैं कि पहले यहाँ अनुकूल माहौल नहीं था उद्योग लगाने के लिए, लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है वो अनुकूल माहौल उपलब्ध करवा रही है, साथ ही डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में कुछ जो चीजें हैं केंद्र सरकार के स्तर पर अगर टाकी भी है तो वहां से मंजूरी दिलाएंगे। तो ये तमाम बातें इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं और उन्हें आह्वान कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जर्मनी से अब लंदन पहुंचे हैं सीएम और वहां पर प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे और कई सारे कार्यक्रम आज प्रस्तावित है निवेश के लिए। आज अलग अलग समय पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लंदन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।